शासन के निर्देश द्वारा बालिका सुरक्षा अभियान के तहत सोमवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सिविल लाइन स्थित एक स्कूल में क्लास 6 के छात्राओं को सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। इस दौरान एसपीसीटी विनय कुमार सिंह, सीओ कैंट प्रभात राय, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह, इंस्पेक्टर कैंट रवि राय, कॉलेज के प्रबंधक विकास श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिसकर्मी व छात्राएं मौजूद रहीं। अपने संबोधन में एसपीसीटी ने छात्राओं को बालिका सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने स्कूली छात्राओं से वार्ता किया और उन्हें बताया कि अगर कोई आपको बहला फुसला कर कहीं ले जाना चाहता है तो बिना अपने पिता के अनुमति के कहीं नहीं जाएं। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उससे कैसे निपटना है उसे भी बताया गया। एसएसपी ने छात्राओं से कहा कि अगर इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने माता पिता के साथ करें। एसएसपी ने कहा कि अगर कहीं कोई छेड़खानी करता है तो डायल 100 या 1090 का प्रयोग करें, 10 मिनट में पुलिस आपके पास होगी। उन्होंने कहा कि कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, आप सभी सुरक्षित हैं क्योंकि गोरखपुर पुलिस आपके साथ है। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, कि अगर हमें एड्रेस ना पता हो तो हम फ़ोन करेंगे तो एड्रेस कैसे बताएंगे। तो सर ने कहा कि अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड पढ़ा कीजिए तो आपको एड्रेस पता चल जाएगा, जिससे आप पुलिस को बता सकते हैं। करना है तो वो भाग नहीं पाएगा, लेग से तो वो भाग नहीं पाएगा। जी, शासन ने जो एक आदेश दिया है, जुलाई में पूरे जुलाई अभियान के नाम से बालिका सुरक्षा अभियान चलाएगी। पुलिस और महिला
बाल विकास के लोग मिल करके एक टीम हमने बना दी है। हर थाने में एक टीम है जो डेली किसी ना किसी स्कूल में जाएगी। उसका एक शेड्यूल निकाला गया है कि कम से कम जो वर्किंग डेज जुलाई के 25-26 हैं और हमारे 25 थाने हैं, तो तकरीबन 600-650 स्कूलों में हम जा करके बालिका सुरक्षा की कुछ बातें जो हमें डायरेक्शंस आए हैं वो करने के लिए, कि जिससे कि जो बालिकाओं से के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं उनमें नियंत्रण पाया जा सके और बालिकाओं में जो है सुरक्षा की भावना और मजबूत हो सके और उनके पेरेंट्स तक ये बात पहुंच सके कि पुलिस और सरकार उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है। कैसे इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, किस तरह से वो अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई उनको छेड़ रहा है या कोई घूर रहा है। छोटी बच्चियां इसका ज़्यादा शिकार हो जाती हैं कई बार, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हमने पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करी है और बच्चियों में एक डेमो दे करके हमको ये भी बताया हमने कि कहीं कोई आपको ज़बरदस्ती ले जाने की, आपको कोई टॉफ़ी बिस्किट देने की कोशिश करे तो आपने वो सब नहीं करना है, जिससे कि अपराध पर नियंत्रण लग सके और अपराध से बचा जा सके। यहाँ पर हमने जो है छोटी बच्चियों पर टारगेट किया है जो खास तौर से हमारी विक्टिम हो जाती हैं कई बार। आपने भी देखा है कि 12, 10, 8, 9, 10, 12 साल, 13 साल की बच्चियां जो है वो जल्दी आसानी से टारगेट हो जाती हैं। उन्हीं बच्चों को हम ज़्यादातर टारगेट कर रहे हैं क्योंकि 18 साल के ऊपर तो आपको माना जाता है कि एक बालिग व्यक्ति है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। जी, बच्चों को हमने जागरूकता के लिए हमने उनसे बोला कि वो स्वतंत्र है कुछ पूछने के लिए, तो बच्चों ने अपनी क्वेरीज़ के बारे में बताया। पूछा भी कि 100 नंबर मिलाएंगे तो क्या होगा, तो 100 नंबर हमारा उठेगा नहीं उठेगा, थानों के नंबर क्या हैं, तो सब बच्चों को ये सब चीज़ें जागरूकता के लिए बताई गई हैं। ये तो देखिए, छोटे बच्चों को पहले से भी कहा जाता है मोबाइल से दूर रखना चाहिए और इंटरनेट से दूर रखना चाहिए, तो इनका साइबर क्राइम से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर भी इनको हमने बताया है कि इंटरनेट यूज़ करते समय बच्चों को पेरेंट्स के साथ ही इंटरनेट यूज़ करना चाहिए, मोबाइल फ़ोन भी बच्चों को पेरेंट्स की अनुमति से ही यूज़ करना चाहिए।